तकसीम हो गया, जन्नत अली के चाहने वालों में आ गया। के तेक की क़िबला, तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा, तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा। सुने मतलब सुने, पूरी दुनिया में अपने हिस्से की दाद दे चुका हूँ। सुने, तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा। हर गली में जिक्रे हुस्ने मुस्तफा होने लगा, हर गली में जिक्रे हुस्ने मुस्तफा, हसीन भाई हर गली में उस्ताद जिक्रे हुस्ने मुस्तफा होने लगा। क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा, हर गली में जिक्रे हुस्ने मुस्तफा, हर गली में जिक्रे हुस्ने। थोड़ा सा महसूस होना चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा। क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। अगर इस मतले की कदर इस बस्ती में नहीं हुई तो पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि इस मतले की कदर नहीं होनी चाहिए। पेश करता हूँ, हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। अरे कम से कम फतवों से ये तो फायदा होने लगा, मातमे जंजीर पहले से सिवा होने लगा। कम से कम फतवों से ये तो है दर्दी के कम से कम फतवों से ये फतवों से ये तो फायदा होने लगा। तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा। कम से कम फतवों से ये तो फायदा होने लगा, मातमे जंजीर पहले से सिवा होने लगा। हर गली में जिक्रे हुस्ने मुस्तफा होने लगा, हर गली में जिक्रे हुस्ने मुस्तफा होने लगा। क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। सुनिए शेर दिल में उतर जाएगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। पांव चलने लग गए जहरा के आंगन में हुसैन, पांव चलने लग गए जहरा के आंगन में हुसैन, अरे दीने अहमद अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा। तेक की मेहराब में सजदा अदा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा। हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। कम से कम फतवों से ये तो फायदा होने लगा, मातम जंजीर पहले से शिवा होने लगा। पांव चलने लग गया जहरा के आंगन में हुसैन, दीन अहमद। अब मैं शेर पढ़ूंगा, पूरी दुनिया ने मुझे बड़ा नवाजा है, जो शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुने कि दीन अहमद पांव चलने लग गए जहरा के आंगन में हुसैन, दीन अहमद अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। अरे क्यों ना हो आखिर तबर्रे में इजाफा दिन ब दिन, फातिमा के मर्सिए का तर्जुमा होने लगा। दिन बदिन फातिमा के मर्सिए का तर्जुमा होने लगा। क्यों ना हो आखिर तबर्रे में इजाफा दिन बदिन, फातिमा के मर्सिए का तर्जुमा होने लगा। अब सुने शेर, बड़ा महसूस करने का शेर है। इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने,
इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, अरे सारी दुनिया के फकीरों का भला होने लगा। वफा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा। तेक की मेहराब में लोग कहते हैं मजमा कम है, महफिल सुस्त है, सुनने वाले लोग हर कहीं बोलते हैं। पेश करता हूँ के तो रफ्तार बढ़ती है, आप जानते हैं, के हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, जो मोहम्मद से था वो वादा वफा होने लगा। हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। के इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, सारी दुनिया के फकीरों का भला होने लगा। क्यों ना हो आखिर तबर्रे में इजाफा दिन ब दिन, फातिमा के मरसिए का तर्जुमा होने लगा, फातिमा के मरसिए का तर्जुमा होने लगा। इंशाअल्लाह सब बोलेंगे, जहां भी मिसरे पड़े हैं खड़े होकर लोगों ने नवाजा है, चार मिसरे दिल में लेके जाएंगे। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी हैसियत क्या, मातमे शब्बीर रोकोगे? चौथे मिसरे पे इंशाअल्लाह खड़े होकर नवाजेंगे, तुम्हारी हैसियत क्या, मातमे शब्बीर रोकोगे? ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे? ओहद से भाग बताना वाजिब समझता हूँ कि मुसलसल नसीमुल भाई ने रابطہ किया, मगर किसी मजबूरी के तहत भाई ने भी मुझसे रابطہ किया, मैं माजरत खा हूँ। बहरहाल आज नौकरी थी, हाँ मैं हाजिर हूँ। और शानू भाई करीब करीब हिंदुस्तान की आधी महफिलों में शिरकत करते हैं, आसिफ भाई और शानू भाई, और इनसे मुलाकातें होती रहती हैं, और ये बड़े मौलाई लोग हैं। बहरहाल मोहब्बतों से नवाजते हैं शोरा को, सलामत रखें, और उलमाए किराम को। मैं पेश करता हूँ कि जब पेश करता हूँ चौथा मिसरा, महसूस करेंगे कोई हकीकत है। अर्ज करता हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या, मातमे शब्बीर रोकोगे? ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे? खुदा इस सारी दुनिया को अजादारों से भर देगा, कहां तक तुम दुआए मादर शब्बीर रोकोगे? क्या मातमे शब्बीर रोकोगे? ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे? खुदा इस सारी दुनिया को अजादारों से भर देगा, कहां तक तुम दुआए मादरे शब्बीर रोकोगे? और ये चार मिसरे भी पेश करता हूं, सुने, पेश करता हूं, यहां वाजिब समझता हूं, मुख्तसर तादाद है मगर सब मौलाई लोग हैं। पेश करता हूं, सुनिए चारों मिसरे। अर्ज करता हूं कि न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है। न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है, और बुतूल करके तबर्रा तुम्हारे कातिल पर नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है। Yeah.
बेशुमार 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 न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल। इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है, बुतूल करके तबर्रा तुम्हारे कातिल पर। नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है, नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है। हजरात जितना आप सुनना चाहते हैं मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि जिस तरह बेदार हैं बेदार रहिए, और इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। एक साल की पूरी पेश करता हूँ, सुने सलाम खास तौर से पेश करता हूँ। न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल। इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है, बुतूल करके तबर्रा तुम्हारे कातिल पर। नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है, नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है। पेश करता हूँ चार मिसरे और के बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा। जालिम से मुल्के शाम भी ज़ैनब ने ले लिया। अब सुनेंगे बड़ा देंगे, अगर शायरी की दुनिया की अछूती तखील हो। बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, एहतजाज सुनिए क्या है जनाबे ज़ैनब का। बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, जालिम से मुल्के शाम भी ज़ैनब ने ले लिया। अरे दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ अरे मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। दरबार में हुसैन के बदले, दरबार में हुसैन के बदले के साथ, दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, जालिम से मुल्क शाम भी ज़ैनब ने ले लिया। दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। हजरात ये इसी साल के जो नए कलाम हैं वो मैं पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे सारे कलाम सुने हैं, और बाकी आपके लिए शायद नेट के ज़रिए आपने सुना होगा। मैं पेश करता हूँ कि शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की। सुने मिसरा, शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की। क़िबला शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, वहां भी धूम है अकबर तेरी जवानी। जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, वहां भी धूम है अकबर तेरी जवानी की। थोड़ा सा सांस ले लीजिए आप, इंशाल्लाह जहां चाहूंगा वहां दाद ले लूंगा। मगर मैं चाहता ये हूं एक मंजिल तक आए आप, कि वहां भी धूम है अकबर तेरी जवानी की। हसन हुसैन का ये घर नहीं मदीने में, क़िबला हसन हुसैन का ये घर नहीं मदीने में। जमीन पर खुल्द है मखलूक आसमानी की। हसन हुसैन का ये घर नहीं मदीने में, हसन हुसैन का ये घर नहीं मदीने में। जमीन पर खुल्द है मखलूक आसमान की। हसन हुसैन का ये घर नहीं मदीने में, जमीन पर खुल्द है मखलूक आसमानी की। जिना को जिना में छोड़ के कौसर को आ गई जहरा। असल में मामला ये है, जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे शोरा उन्हें इस्तेमाल करते हैं। एक शेर मुझे और याद आया कि अश्के गमे हुसैन के कतरे मिला दिए, अश्के गमे हुसैन के कतरे मिला दिए, कौसर को हमने और मजेदार कर दिया। ये 20 साल पुराना शेर है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिए के शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। के जिना से जिना में आ गई कौसर को छोड़कर जहरा, जिना में आ गई जिना से आ गई कौसर को छोड़कर जहरा। मिठास देखिए अश्के अज़ा के पानी।
मिठास देखिए इसके अदा जिना से आ गई कौशल को छोड़कर दहरा मिठास देखिए इसके अदा के पानी की पेश करता हूँ हमारे खैमाए तश्ना लबी में सदियों से हमारे खैमाए तश्ना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी एक मतलब दुरूद पढ़ दीजिए आप हजरात हमारे खैमे तश्ना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरनी पड़ी है पानी की जिला में छोड़ के कौशल को आ गई जहरा मिठास देखी है इसके अजा के पानी की बाफहम हजरात तशरीफ फरमाए उलमा हजरात तशरीफ फरमाए छोरा हजरात तशरीफ फरमा पेश करता हूँ शायद हसीन भाई शायरी की दुनिया की एक अछूती तखील मौला ने मुझे अता की है मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ सुने मिठास देखी है इसके अजा के पानी की बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन वो पहली जंग है असगर की जिंदगानी की बचा के ले गई जो बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन वो पहली जंग है असगर की जिंदगानी की बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन वो पहली जंग है असगर की जिंदगानी की वो पहली जंग है असगर की जिंदगानी की भाई आप भी थोड़ा सा इनका बुजुर्गों का हौसला बढ़ाएंगे और मेरा भी हौसला बढ़ाएंगे पेश करता हूँ शेर बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन वो पहली जंग है असगर की जिंदगानी की जहाँ पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का वहाँ भी धूम है अकबर तेरी जवानी की हमारे खैमे तश्ना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की सब बोलेंगे कोई खामोश नहीं रहेगा आपका लहू बुलाएगा आपको हमारी रूह गिरवी पड़ी है हमारे खैमे तश्ना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की जबान उसकी तबर्रे की तेज से काटो वो जिसने फातिमा जहरा से बदजबानी की जबान उसकी तबर्रे खैमे तश्ना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन वो पहली जंग थी असगर की जिंदगानी की सुने शेर वो पहली जंग थी असगर की जिंदगानी की जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का वहां भी धूम है अकबर तेरी जवानी की हसन हुसैन का ये घर नहीं मदीने में जमी पर खुल्द है मखलूक आसमानी की अब मैं शेर पढ़ता हूँ इंशाल्लाह दिल में उतर जाएगा जमी पर खुल्द है मखलूक आसमानी की न छीन हल्का मातम में हाथ से जंजीर अरे ज़कात देने दे दिल भर के जिंदगानी न छीन हल्का मातम में हाथ न छीन सदियों से हमारे खैमे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप भी सलामत रहे हमारे खैमे तश्ना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की नछीन हल्का मातम में हाथ से जंजीर नछीन हल्का मातम में हाथ से जंजीर ज़कात देने दे दिल भर के जिंदगानी की लगा ले आखिरी शेर लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा ए हुर बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा ए हुर लगा ले आंखों से रूमाले
लाहौर, बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की, बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की। हमारे खैमे तशना नबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की। जबान उसकी तबर्रे की तेख से काटो, वो जिसने फातिमा जहरा से बदज़बानी की। इजाजत, एक मरतबा दुरूद पढ़ दे आप हज़रात। अरे भाई मोहब्बत बद दुआओं में याद रखें। हमारे खैमे तशला नबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की। नछीन हल्का मातम में हाथ से जंजीर। भाई ऐसा नहीं है मैं एक रोटिया में ये शेर पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे ही पढ़ता हूँ। हमारे खैमे तशना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की। नछीन हल्का मातम में हाथ से जंजीर, जकात देने दे दिल भर के जिंदगानी की। मैं एक बहुत और मैं वाजिब समझता हूँ यहाँ पढ़ना ये कलाम। अर्ज करता हूँ, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, जब करबला आखिरी आदमी तक बोलेगा। वैसे तो आदमी माशाल्लाह इतने हैं यहाँ कि जो 10,000 का मजमा होता है उन पे भारी पड़ जाएंगे। ये इस महज के लोग हैं मैं जानता हूँ, बिल्कुल बेशक बेशक पेश करता हूँ। सुनिए, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, 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 सजदों की कायनात उजालों में आ गई। जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, मेरे बुजुर्ग दुआओं से नवाजेंगे। शानू भाई सुने शेर, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई। तुल्ला पेश करता हूँ, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, सोने के भाव करबला जाके बेच लो। सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई। सोने के भाव करबला जाके बेच लो, सोने के भाव करबला जाके बेच लो, सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई। सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई। सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई। जैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की, जैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की, जैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की, तकसीम करके टुकड़ों निवालों में आ गई। अब सुने शेर, बहुत कीमती शेर अपनी जिंदगी का, कि जैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की, तकसीम करके टुकड़ों निवालों में आ गई, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई। अरे कैसे छुपाएं खून को कातिल हुसैन के, खुशबू तमाम बरछियों भालों में आ गई। कैसे छुपाए खून, कैसे छुपाए खून को कातिल हुसैन के। मिलके बोलिए भाई एक मरतबा, सोने के भाव करबला जाके बेच लो, सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई। कैसे छुपाए खून को कातिल हुसैन के, खुशबू तमाम बरछियों भालों में आ गई। आबिद आबिद पेश करता हूं, सुने इंशाल्लाह आज की मुनासबत से शेर, के लगता है जैसे तूर के खेमे की रोशनी, लगता है जैसे तूर के खेमे की रोशनी। हर महफिल में ये शेर नहीं पढ़े जाते हैं, मैंने ये छोड़ दिए हैं, मेरा कैसे देख सकते हैं आप, मगर पढ़ रहा हूं यहां वाजिब समझता हूं। कि देखो सिमट के तूर के खेमे की रोशनी, आबिद तुम्हारे पांव के छालों में आ गई। देखो सिमट के तूर के खेमे की रोशनी, देखो सिमट के तूर के खेमे की रोशनी, देखो सिमट के तूर के खेमे की रोशनी, आबिद तुम्हारे।
देखो सिमट के तूर के खेमे की रोशनी आबिद तुम्हारे पांव के छालों में आ गई, आबिद तुम्हारे पांव के छालों में आ गई। शेर सुनिए, आबिद तुम्हारे पांव के छालों में आ गई। तरतीब दो हुसैन इसे अपने खून से, कबला तरतीब दो हुसैन इसे अपने खून से। दीमक शरीयतों के रिसालों में आ गया, तरतीब दो हुसैन इसे अपने खून से। दीमक शरीयतों के रिसालों में आ गई, तरतीब दो हुसैन इसे अपने खून से। दीमक शरीयतों के रिसालों। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, जब से महफिल शुरू हुई है आपने नारे लगाए मुसलसल, आप बिल्कुल आराम करें, ये लोग बेदार हैं। पेश करता हूँ, सुने, मैं समझ रहा हूँ आपकी, मैं वाकई हूँ आपकी मजबूरी से। मैं अभी सादिक से कह रहा था यही बात कि देखो सिमट के तूर के खेमे की रोशनी, अभी तुम्हारे पांव के छालों में आ गई। तरतीब दो हुसैन इसे अपने खून से। दीमक शरीयतों के रिसालों में आ गई, इंशाल्लाह सब खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे शेर का। दीमक शरीयतों के रिसालों में आ गई, जब करबला के खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई। सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई। कैसे छुपाए खून को कातिल हुसैन के, खुशबू तमाम बरछियों भालों में आ गई। अरे दोजख अली के बुग्ज में तकसीम हो गया, जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। जन्नत अली के चाहने खली के माशाल्लाह। अरे क्या कहना अख्तर भाई, क्या कहना, क्या दोजा खली के बुग्ज में तकसीम हो गया, दोजा खली के बुग्ज में तकसीम हो गया, जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। जन्नत अली के दोजा खली के बुग्ज में तकसीम हो गया, जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। दोजा खली के जन्नत अली के बुग्ज में तकसीम हो गया, दोजा खली के बुग्ज में तकसीम हो गया, जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। दोजा खली के बुग्ज में तकसीम हो गया, जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। क़िबला शायद इस नहज का शेर, मैं दावा तो नहीं करता मगर शहजादी ने यह अता किया है आपकी, मैं पेश करता हूँ समाज के हवाले करता हूँ, सुनिए कि जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। रफ्तारे पाए सबरे सकीना न पूछिए, रफ्तारे पाए सबरे सकीना न पूछिए। अरे दादी की सब में चार ही सालों में आ गए, रफ्तारे पाए सबरे सकीना न पूछिए, रफ्तारे पाए सबरे सकीना न पूछिए। दादी की सफ में चार ही सालों में आ गई, दादी की सफ में चार ही सालों में आ गई। अब सर उठा के चलती है नस्ले हबीब की, आखिरी शेर सुने, अब सर उठा के चलती है नस्ले हबीब की। क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई, अब सर उठा के चलती है नस्ले हबीब की। क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई। छोड़ा है जिंदगी को वहां लाके जॉन ने, ये काफिया भी मैंने सर्व करने की कोशिश की है, सुने। छोड़ा है जिंदगी को वहां लाके जॉन ने, जीने की एक उमंग सी कालों में आ गई। छोड़ा है जिंदगी को वहां लाके जॉन ने, जीने की एक उमंग सी कालों में आ गई। मिलजुल के एक मरतबा दुरूद पढ़ दें आप हजरात, मैं आपकी अमानत रखी है। हजरात ये शेर मैंने जो यहाँ आके कहे हैं मिसरे पे पेश किए देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि दीन ने बादिश है हजबे जरूरत सैयद सज्जाद से, बादिश है मगर जिस मेहनत से तरह में कलाम नसीमुल भाई ने पढ़ा है, वाकई में इस जज्बे से तो मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत मेहनत से पढ़ा है मगर मैं शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने। बादिश है हजबे जरूरत सैयद सज्जाद से, रिस्क लेती है शरीयत सैयद सज्जाद से।
बादशाह हज़्ब ज़रूरत सैयद सज्जाद से रिस्क लेती है शरीयत सैयद सज्जाद से, रिस्क लेती है शरीयत सैयद सज्जाद से। और ये शेर शायद किसी काबिल हो और अछूता भी हो। हथकड़ी का लफ्ज लगता था जमाने को हकीर, हथकड़ी का लफ्ज लगता था जमाने को हकीर, हथकड़ी का लफ्ज लगता था जमाने को हकीर, मिल गई इसको भी कीमत सैयद सज्जाद से। हथकड़ी का लफ्ज लगता था जमाने को हकीर, हथकड़ी का लफ्ज लगता था जमाने को हकीर, मिल गई इसको भी कीमत सैयद सज्जाद से, मिल गई इसको भी कीमत। बहुत शुक्रिया। हथकड़ी का लफ्ज लगता था जमाने को हकीर, मिल गई इसको भी कीमत सैयद सज्जाद से। और आहिस्ता से पढ़ूंगा, शेर है इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगा। शाम के जिंदा के सन्नाटों में बे आबो गिजा, शाम के जिंदा के सन्नाटों में बे आबो गिजा, पूछिए सजदों की लज्जत सैयद सज्जाद। शाम के जिंदा के सन्नाटों में बे आबो गिजा, शाम के जिंदा के सन्नाटों में बे आबो गिजा, पूछिए सजदों की लज्जत सैयद सज्जाद से। और ये शेर भी सुनिए खास तौर से, कि शौक है गर तूर पर जाने का फिर से है कलीम, शौक है गर तूर पे जाने का फिर से है कलीम, सीखो अंदाजे खिताबत सैयद सज्जाद से, सीखो अंदाजे खिताबत सैयद सज्जाद से। तूर पे जाने का गर शौक है फिर से कलीम, सीखो अंदाजे खिताबत सैयद सज्जाद से। और ये शेर सुनिए, कि सदियों पीछे रह गई अय्यूब राह सब्र में, सदियों पीछे रह गई अय्यूब राह सब्र में, कुल रसूलों की जमात सैयद सज्जाद से, कुल रसूलों की जमात सैयद सज्जाद से, कुल रसूलों की जमात सैयद सज्जाद से। ये आखिरी शेर समझ के सुन लीजिए, क्योंकि शेर और है, मैं जो चाहता हूँ ये शेर सुनाना आपको, कि बाद में रखती है काबे में कदम अब हर नमाज, बाद में रखती है काबे में कदम अब हर नमाज, पहले लेती है इजाजत सैयद सज्जाद। काबे में कदम हर नमाज, पहले लेती है इजाजत सैयद सज्जाद से। हजरत आखिरी एक सिलसिला है, मुझे हुक्म है दो कलामों का, अब आप दो बर्दाश्त कर लें, मैं दोनों के दो दो तीन तीन शेर आप तक पहुंचा देता हूं, और जहमत आपकी ये सवाब का सिलसिला इंशाल्लाह आइंदा साल के लिए मुलतवी किया जाएगा। और अभी जो छोरा है उनको सुन लीजिए आप, बहरहाल पूरा कलाम ना पढ़ते हुए सिर्फ दो दो तीन तीन शेर अर्ज करता हूँ। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पर तेरे पांव पड़ गए, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अब ये दो शेर हैं जिसके लिए मैं भी समझता हूं कि लोगों ने मुझसे कहा है कि ये कह के चौक उठता था ख्वाबों में हुरमला, ये कह के चौक उठता था ख्वाबों में हुरमला, ये कह के चौक उठता था ख्वाबों में हुरमला, मुख्तार हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गए, ये कह के चौक उठता था ख्वाबों में हुरमला, मुख्तार हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गए, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अब ये शेर जो मैं आखिरी पढ़ूंगा, इसका सिलसिला आपके लहू से है और आपका लहू आपको खामोश नहीं छोड़ेगा। ये कह के चौक उठता था ख्वाबों में हुरमला, मुख्तार हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गए, अख्तर हम अपनी ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन सिदक को लूटने वाले पकड़ गए। उसी दिन मनाएंगे जिस दिन सिदक को लूटने वाले पकड़ गए। आपकी जो हुक्म है मैंने पहुंचा दिया, एक हुक्म और है, दो शेर और एक वो शेर जिसके लिए आप, मैं समझता हूं चाहते हैं कि पढ़े। अर्ज करता हूं कि ये इम्तिहान नौ के सिना दे चुके हैं हम, ये इम्तिहान नौ के सिना दे चुके हैं हम,
नेजे पर कत्ल होके अजां दे चुके हैं। इस्लाम में मुस्तफ़ा पर बुढ़ापा ना आएगा। अकबर सा बेमिसाल जवां दे चुके हैं। इतनी दाद ले ली है इन कलामों के जरिए कि अब जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये फरमाइश है, बहरहाल आपकी अमानत है, आप तक जरूर पहुंचेगी। पेश करता हूं कि ये बात जेब देती है तन्हा हबीब को, दो बार एक हुसैन पर जान दे चुके हैं। अब ये शेर सुन लीजिए जिसके लिए है, दो बार एक हुसैन पर जान दे चुके, आखिरी शेर, दो बार